गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। यार अगर आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यार व्यूज भी नहीं आ रहे तो सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे, क्या करूँगा। ये तो मैंने गलत बोल दिया, इसका कट करो, इसका चलो कर दूंगा। हाँ तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द बीएसटी गिवन विद द रूट नोड विद द key part as an integer only. You need to find the in order successor and predecessor of a given key. If either predecessor or successor is not found, then set it to null. यार in order मतलब पता है क्या? left root right, पहले कहाँ जाना है? सबसे left में, फिर root में, फिर right में, फिर left, फिर root right, ठीक है? ये होता है पहले left root right, ये होता है हमारे in order। इन ऑर्डर में जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर है मतलब जो एक नंबर गिवन होगा उससे जस्ट छोटा नंबर और उसके जस्ट बड़ा नंबर इस ट्री में से निकाल कर हमें देना, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है? यार देखो अगर ट्री है तो या तो छोटा या उससे बड़ा या उसके इक्वल एक नंबर तो एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है? मान लो फाइंड करना है 50 और ट्री में मेरा है 15, तो 15 50 से जस्ट मतलब जो ट्री में है उसके लिए तो जस्ट छोटा है, तो या तो प्रेडिसेसर एग्जिस्ट कर रहा होगा या सक्सेसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? तो चले देखते हैं, अब देखते हैं ये किस किस कंपनी में आ चुका है। यार ओला कैब्स में ये आ चुका है, ठीक है? ओला कैब कंपनी है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच क्या कैसे करना है। बीएसटी क्या होता है? बीएसटी का मतलब होता है एक मिड, एक एलिमेंट है जैसे रूट एलिमेंट है, उसका लेफ्ट जो भी पूरा सब ट्री होगा उसमें उससे छोटे एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसके पूरे लेफ्ट सब ट्री में 10 से छोटा ही होगा, देख सकते हो 2, 1, 5, 3, 6, 4 सारे एलिमेंट 10 से छोटे हैं। उसके राइट सब ट्री में सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। यहाँ तो एक ही गिवन है 11, ठीक है? यही चीज दूसरे उसमें भी देख सकते हैं, जैसे 8 है, लेफ्ट में सारे एलिमेंट 8 से छोटे होंगे, राइट में सारे एलिमेंट 8 से बड़े होंगे। हमें फाइंड क्या करना है, एक नंबर गिवन है जैसे की यहाँ पर 8 गिवन है, तो 8 से जस्ट छोटा एलिमेंट इस ट्री में और 8 से जस्ट बड़ा एलिमेंट इस ट्री में वो हमें रिटर्न कर देना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता या तो छोटा या बड़ा कोई एक ही होगा, ठीक है? तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, -1 यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना है उसकी जगह। जैसे प्रेडिसेसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो -1, या सक्सेसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो -1, या इफ इनकेस दोनों ही नहीं है तो -1, ठीक है? अब इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, यार देखो बीएसटी है तो इतना तो हमें पता चल गया, या तो हम लेफ्ट में बढ़ेंगे या हम राइट में बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है, इन ऑर्डर सक्सेसर यहाँ पर हमें गिवन है एंड प्रेडिसेसर। तो हमें क्या, जैसे हमारा 8 हमें फाइंड करना है, तो यार एक चीज़ यहाँ पर तुम देखो कि हम जब प्रेडिसेसर मतलब छोटे एलिमेंट्स देखेंगे ना, तो छोटे के लिए हमें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्यों? जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ पर एलिमेंट होता 10 है, जैसे मान लो हमारी की 10 ही है, इससे जस्ट छोटा चाहिए और जस्ट बड़ा चाहिए। अगर हमें जस्ट बड़ा चाहिए तो इसके जस्ट राइट में चले जाओ, यार 10 से बड़ा चाहिए तो 10 के राइट में ही उससे बड़ा होगा, और जस्ट बड़ा जो नेक्स्ट होगा ना वही हमारा एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे पूरे राइट में, इसके इससे बड़े ही होंगे। 10 से छोटे एलिमेंट इसके राइट सबट्री में हो ही नहीं सकते, और हमें 10 से जस्ट बड़ा चाहिए तो इसके राइट में जाएंगे, हमें 11 मिल जाएगा और वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा। और प्रेडिसेसर क्या चाहिए, 10 से जस्ट छोटा, तो इस पूरे ट्री में 10 से छोटे एलिमेंट है इसके लेफ्ट सब ट्री में। अगर मैं 10 के लेफ्ट में आता हूँ तो क्या है 2, तो क्या 2 मेरा प्रेडिसेसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी 2 से बड़ी वैल्यू, बट 10 के लेफ्ट में अगर 2 है इसका मतलब क्या है, 2 से 10 के बीच की वैल्यू अब इस पूरे ट्री में होंगी। अब इसके लेफ्ट में 1 आ जाता तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू सारी उसमें होती, तो 2 का मतलब ये है कि 2 से 10 के बीच में सारी वैल्यूज क्या है, इसके लेफ्ट सब ट्री में है, मतलब 10 के लेफ्ट सब ट्री में अभी हमें वैल्यूज मिल सकती है। कैसे, हम क्या करेंगे, पहले चेक रूट से आएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में आए फिर लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में देखा क्या है? अभी मान लो ये है 8 है, 8 हमें निकालना है, इसी एग्जांपल पे हम चेक कर रहे हैं। यार यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है और माउस नहीं है, इस वजह से मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। आई होप के समझ आ जाए, लेकिन अगर वो होता तो मैं अपना ज़्यादा पैसे दे पाता समझाने में। तो देखो इसके लेफ्ट में आना है, ठीक है? लेफ्ट में आए, क्या ये वैल्यू मेरी प्रीडिसेसर से छोटी है, मतलब जो की है 8, क्या ये 8 से छोटा है? 8 से छोटा है तो क्या ये मेरा प्रीडिसेसर हो सकता है? हाँ ये मेरा प्रीडिसेसर हो सकता है, लेकिन ये ही है या नहीं है ये मैं बाद में कंफर्म करना होगा। क्यों?
क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज इसके राइट में मिल जाएंगी जो कि 10 से छोटी होंगी और 2 से बड़ी होंगी, और हमें जस्ट प्रीडिसीजर चाहिए तो इसके जस्ट छोटी वैल्यू चाहिए इस पूरे उसके। तो हम क्या करेंगे, 2 के लेफ्ट में आएंगे। क्या 1 मेरा 8 से छोटा है? हाँ है। तो क्या ये मेरा प्रीडिसीजर हो सकता है? हो सकता है, बेशक हो सकता है, लेकिन जब तक मैं सारा ट्रैवर्स नहीं करूँगा मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं 1 में आया, अब 1 के लेफ्ट में जाऊँगा कुछ नहीं है, 1 के राइट में जाऊँगा कुछ नहीं। एक्चुअल में मेरे ट्रैवर्सल और काम कैसे करेगा, कैसे करेगा? मैं 10 के लेफ्ट में आऊँगा 2, 2 के लेफ्ट में आऊँगा 1, 1 के लेफ्ट में जाऊँगा कुछ नहीं होगा, तो मैं वापस आऊँगा 1 पे। जब मेरा उसके लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं होगा तब मैं उसको चेक करूँगा। मैं 1 पे आया, 1 पे चेक किया कि 1 मेरा 8 से छोटा, हाँ ये मेरा प्रीडिसीजर हो सकता है। मैं राइट में जाऊँगा, राइट में कुछ नहीं, वापस 1। जब 1 को मैं देख चुका हूँ तो मैं आ जाऊँगा रूट पर। इन ऑर्डर यही होता है, लेफ्ट रूट फिर राइट। ठीक है, पहले एक्सट्रीम लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो 1 हो गया, अब मैं रूट पे जाऊंगा 2, तो 2 रूट पे आया। ठीक है, अब क्या ये मेरा प्रेडिसेसर हो सकता है? 8 से छोटा हो सकता है। तो अब मैं क्या जाऊंगा, लेफ्ट हो गया और रूट हो गया, अब क्या जाऊंगा, राइट। राइट में जा गया, अब इसका लेफ्ट है तो हाँ है, पहले मैं इसके सारे लेफ्ट में चले जाता हूँ। लेफ्ट में गया, अब इसका लेफ्ट है नहीं है, तो क्या 3 मेरा प्रेडिसेसर हो सकता है? हो सकता है, 8 से छोटा है। फिर 4 पे चेक करेगा, क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्या, क्योंकि 8 से छोटा है। फिर 5 पे चेक करेगा, क्या ये मेरा प्रेडिसर हो सकता है? हो सकता है, 8 से छोटा। फिर लेफ्ट में इसके उसमें चेक करेगा, 6, क्या ये मेरा प्रेडिसर हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अब ये सारे एलिमेंट को मैं चेक कर लिया, तो अब मैं आया वापस 10 पर। ठीक है, तो क्या ये मेरा 10 8 से छोटा है? 8 से मेरा छोटा नहीं है, तो क्या होगा, मेरा लेफ्ट ट्रैवर्सल यहीं पे बंद हो जाएगा और मुझे अपना प्रेडिसर मिल गया। जब तक मेरी उससे छोटी मतलब 8 से छोटी वैल्यूज मुझे मिल रही हैं, तब तक मुझे ट्रेवर्स करते रहना। जहाँ पर वापस आते आते मैं 10 पे आया, 10 क्या है मेरा 8 से छोटा नहीं है, 10 मेरा 8 से छोटा नहीं है, तो बस अब, क्योंकि अब मेरा बचा क्या, रूट से राइट, और राइट में मेरी वैल्यूज क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो मैं सारा लेफ्ट ट्रेवर्सल करने के बाद मुझे प्रीडिसीजर तो मेरा मिल गया। अब जैसे मेरा 10 आया वो 8 से बड़ा हो गया, तो ये मेरा प्रीडिसीजर नहीं हो सकता। प्रीडिसीजर जो मुझे यहाँ से क्या मिला, 6 मिला, वो मैंने रख लिया। ठीक है, अब 6 मेरा प्रीडिसीजर हो गया। अब 10 है, 10 तो 8 से बड़ा हो गया, तो अब जितनी भी वैल्यूज होंगी ग्रेटर वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यूज होंगी बड़ी वैल्यूज होंगी, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, सक्सेसर। सक्सेसर के लिए मैं क्या करूँगा, 10 है, क्या 10 मेरा 8 से बड़ा है? हाँ है, 8 से बड़ा मेरा 10 आ गया। ठीक है, जैसे ही मुझे सक्सेसर मिल जाता है मुझे और फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से नीचे 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 आना था, अब यहाँ से क्या जाना है, 10 से ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो 8 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 10 मिल गई। तो अब आगे मैं अगर बढ़ता हूँ तो मुझे 10 से बड़ी वैल्यूज ही चाहिए मिलेंगी ना, और मुझे एक ही वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर। तो मैं 10 यहाँ पर मैंने सब इसलिए ट्रेवर्स किया क्योंकि 10 से नीचे आया 2, और इसके राइट में अगर मैं आता हूँ तो 2 से 10 के बीच की वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, कि अभी मेरी वैल्यूज बची हैं। लेकिन सक्सेसर के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, कि अगर जैसी मुझे जस्ट वैल्यू बड़ी मिल जाती है तो अब मुझे आगे ट्रेवर्स नहीं करना, क्योंकि आगे तो बड़ी वैल्यूज ही हैं, अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 10 से छोटी होगी। यही चीज़ हमें यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे की वैल्यू 11 है, क्या 8 मेरा 11 से छोटा है? पहले मैं क्या करूँगा, सबसे लेफ्ट में चेक करूँगा, लेफ्ट में आया, लेफ्ट में आया, लेफ्ट में आया, तो क्या 3 मेरा 11 से छोटा है? हाँ ये मेरा हो सकता है। फिर 4, ये भी हो सकता है, 1, ये भी हो सकता है, 8, ये भी हो सकता है। फिर क्या चेक करेगा, राइट में, कि अभी क्योंकि सारी वैल्यूज छोटी ही हैं, जब तक छोटी हैं तब तक मुझे ट्रेवल्स करते रहना है। फिर 9 छोटा है, हाँ, 10 छोटा है, हाँ, तो 10 क्या मिल गया, प्रेडिसर मिल गया, लेकिन अब मैं सारा कुछ ट्रैवर्स कर चुका हूँ। तो अब मेरा सक्सेसर क्या हो जाएगा, -1, नल, क्योंकि जो मिला ही नहीं वो नल। ठीक है, यही चीज़ मुझे देखनी है कि जब तक मेरा छोटा मुझे मिल रहा है तब तक मुझे ट्रैवर्स करते रहना है, और जैसे ही मुझे उससे ग्रेटर वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो वही मेरा सक्सेसर हो जाएगा। अगर कहीं भी ग्रेटर वैल्यू मिलती है तो वो मेरा सक्सेसर है। ठीक है, अब कोड में समझाता हूँ। देखो, जब तक मुझे रूट मिल रहा है, अगर रूट है मेरा, तो मुझे क्या करना है, ठीक है, लेफ्ट में जाते रहना है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर जैसे 10 है, 10 मेरा रूट है, हाँ है, तो लेफ्ट में जाऊँगा, 2 मेरा रूट है, हाँ है, तो लेफ्ट में जाऊँगा, 1 मेरा रूट है, हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में जाऊँगा। अब लेफ्ट में क्या है, नल, तो ये मेरा रूट मतलब नल है, ठीक है, नॉट नल नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, वापस यहाँ आ जाऊँगा और वैल्यू अपनी चेक करूँगा। अगर मेरा रूट है तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है लेफ्ट में, पॉइंट 3, कहाँ जाना है, रूट के लेफ्ट में मुझे जाते रहना है। ठीक है, रूट के लेफ्ट में, और अभी मेरा प्रेडिसेसर और सक्सेसर मैंने वो नहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, जब मैं पूरा लेफ्ट अपना चेक कर चुका हूँगा, जब मैं पूरे लेफ्ट में आ चुका, तो क्या है, 1,
अगर रूट है तो ये एल्स क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। अगर मेरा रूट नहीं है तो मुझे वापस कहाँ जाना, इसके रूट में नहीं है तो वापस वन पर आ जाना, तो एल्स क्या करना है, रिटर्न। अगर मेरा रूट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सबसे लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अगर मेरा रूट नहीं तो रिटर्न हो जाएगा, और फिर मेरा किस वैल्यू को डिनोट करेगा, वन को। तो मुझे क्या चेक करना है, वन। अगर मेरी रूट क्या है, अभी वन है, रूट की वैल्यू, अगर मेरी रूट की वैल्यू, वैल नहीं यहाँ पर की है, वैल की जगह, अगर मेरी रूट की जो है वो छोटी है किससे, एक्चुअल की से, मैं क्या कर रहा था, जब तक मेरा छोटा है तब तक मुझे और फाइंड करना है, क्योंकि उससे बड़ा और उसके बीच में मुझे पॉसिबिलिटी है मिलने की। अगर मेरी रूट की से छोटी है तो मुझे क्या कर देना, प्री को क्या बना देना, रूट, कि यही मेरा भी प्रिडिसीजर हो सकता है, इसको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे ट्रैवर्सल में मैक्सिमम प्रिडिसीजर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर हो गया प्रिडिसीजर यहाँ से मिल गया, और मुझे चेक करना, अगर मेरी रूट की जो है जैसी बड़ी हो जाती है, अगर मेरी रूट की से बड़ी है, और मुझे देखना है कि अगर मैंने सक्सेसर अगर नहीं मिला, एंड सक्सेसर इक्वल्स इक्वल्स नल, अब तक मैंने सक्सेसर नहीं मिला, मान लो जैसे ये 10 है, अभी मैं पूरा लेफ्ट चेक कर रहा था, सक्सेसर मिला तो वो 8 से बड़ी कोई वैल्यू मिली थी, नहीं मिली थी। अब मैं चेक कर रहा हूँ 10 पे, अगर 10 मेरा की से बड़ा है, हाँ है, और मेरा सक्सेसर अभी नल है, हाँ है, तो मुझे सक्सेसर को यहाँ पर क्या कर देना, इनिशिएट कर देना, सक्सेसर मेरा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो है, जब वो जब मैं पूरा लेफ्ट चेक कर लिया, ठीक है, जब मैं पूरा लेफ्ट चेक कर लिया, तो अब मैं वापस रूट पे आके फिर मैं इसके राइट में जाऊँगा, ठीक है, इसके राइट में मुझे जाना है, तो क्या फंक्शन, फिर से फंक्शन को किसके लिए कॉल करना है, फाइंड प्री सक्सेसर रूट राइट के लिए, रूट राइट के लिए कॉल करूंगा, फिर प्रीडिसीजर एज इट इज, सक्सेसर एज इट इज, और की एज इट इज, क्या यही मेरा इतना ही है, हाँ मुझे इतना ही काम करना था बस, कंपाइल रन करते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है यार, चलो तो ये कंपाइल रन हो गया है, चलो सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये सबमिट भी हो गया है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि लेफ्ट की लेफ्ट में हम पूरा ट्रेवर्स क्यों कर रहे हैं, ये देखो, अब लाइन वाइज अगर मैं एक बार बताऊं, अगर मेरा रूट है 10, मेरा रूट है, हाँ, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, ये फाइंड फंक्शन कॉल होगा लेफ्ट में जाने के लिए, फिर ये वापस लेफ्ट में आके फिर से कॉल करेगा अपने आप को, फिर से क्या चेक करेगा, इफ़ रूट, क्या रूट है मेरी, हाँ है, तो फिर से ये वाली लाइन कॉल हो जाएगी, ठीक है, फिर से ये वाली लाइन कॉल हो जाएगी, फिर से लेफ्ट में जाएगा, क्या मेरा रूट है, हाँ है, तो ये फिर से कॉल करेगा, ठीक है, इसके वन के लेफ्ट में क्या है, नल, अभी चेक करेगा क्या मेरा रूट है, कहेगा नहीं नहीं है, रूट नहीं है, तो क्या करेगा, वापस पहुंचो, रिटर्न हो जाओ, तो ये वन पे वापस रिटर्न आ जाएगा, फिर ये चेक करेगा अगर मेरा वन की से छोटा है तो मेरा प्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, उसके बाद चेक करेगा अगर मेरा ये बड़ा होता, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, क्या ये अगर मेरा बड़ा है तो सक्सेसर मिल जाएगा, ठीक है, ये काम मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद रिटर्न होके किस पे जाना, इसके वन, अब क्या चेक करेगा, वन राइट में चेक करेगा, अब ये वन किस पे, अपने लेफ्ट में चेक कर चुका, अभी राइट में आएगा, राइट क्या है, नल है, नल है, तो फिर क्या ये रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा टू पर, ठीक है। अब क्या है, ये टू का लेफ्ट कॉल हो चुका था, टू का लेफ्ट कॉल हो चुका था, तो ये नहीं होगा, अब क्या होगा, टू का राइट कॉल होगा, टू के राइट में जाएगा, ठीक है, जैसे ये टू के राइट में आया, फाइव, तो क्या करेगा, फाइव मेरा रूट है, हाँ है, तो फिर से कॉल क्या करेगा, लेफ्ट, ठीक है, ये इस तरीके से मेरा रिकर्जन चलता है, फिर फाइव में आया, इसका लेफ्ट जाएगा, फिर इसका लेफ्ट देखेगा नहीं है तो रिटर्न करेगा थ्री पे, फिर राइट में आएगा, फिर राइट देखेगा है, फिर लेफ्ट में जाएगा नहीं है, रूट पे आएगा, फिर राइट में जाएगा नहीं है, तो फिर थ्री कॉल हो चुका, अब फाइव पे राइट में जाएगा, इस तरीके से कॉल होगा। चलिए इसके साथ रैपअप करते हैं यहाँ पर, थैंक यू, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द सब्सक्राइब बटन।